हेलो ऑल एंड वेलकम टू रिकॉग्निशन आईएएस। हम लोग देख रहे थे हमारी इकोनॉमिक्स की क्लास एंड दिस इज लास्ट क्लास। हम लोग बात करेंगे आज की क्लास में डब्ल्यूटीओ की मिनिस्ट्रियल मीटिंग के बारे में। अगर एक बार रिवाइज करें व्हाट वी हैव सीन इन द लास्ट क्लास, वी हैव सीन डब्ल्यूटीओ के बेसिक्स पहले हम लोगों ने देखे थे, फिर हम लोगों ने देखा था डब्ल्यूटीओ में नॉर्म्स कौन कौन सी है, डब्ल्यूटीओ का एग्जिस्टेंस कहाँ से आया, एंड लॉट मोर थिंग्स हम लोगों ने डिस्कस किया था। फिर हम लोगों ने डिस्कस किया था एग्रीकल्चर से रिलेटेड क्या क्या प्रोविजंस है, सेफगार्ड मैकेनिज्म क्या होता है, व्हाट आर स्पेशल प्रोडक्ट्स, तो ये सब चीजें हम लोगों ने डिस्कस की थी, जहां पर हम लोगों ने ये भी देखा था कि ग्रीन बॉक्स क्या होता है, ब्लू बॉक्स क्या होता है एंड एम्बर बॉक्स क्या होता है। इन सारी चीजों का हम लोग और डिटेल में आज देखने की कोशिश करेंगे अलग अलग मीटिंग के जरिए कि आखिर में कब कब क्या क्या मीटिंग हुई है। इसमें से बहुत सारी मीटिंग्स ऐसी हैं जो काफी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, लाइक दोहा की मीटिंग हो गई, या फिर नैरोबी की मीटिंग हो गई, या फिर हमारी अर्जेंटीना ब्यूनस आयर्स की मीटिंग हो गई। लेकिन इसमें से कुछ ऐसे भी मीटिंग्स होंगी जो आपको बहुत ज्यादा आपको ध्यान नहीं रखना है, क्योंकि उसमें कुछ खास डेवलपमेंट नहीं देखने को मिला था, लाइक कैनकून की डेवलपमेंट हो गई, तो ये सियाटल की डेवलपमेंट, तो ये सब हमें बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देना है। वन बाय वन करके हम लोग आज सारा कुछ देखेंगे, ए टू जेड यहाँ पर देखने को आपको मिलेगा, एक ब्रॉड पिक्चर मिल जाएगी डब्ल्यू टी ओ की, ताकि जो भी करंट अफेयर्स या जो भी आगे डेवलपमेंट होती है वो सारी की सारी डेवलपमेंट आपको पता रहे। एक मैं करेक्शन करना चाहूंगा, लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को बोल दिया था कि डब्ल्यूटीओ की मीटिंग एक साल में दो बार होती है, एक्चुअल में नहीं, मैंने वहां पे करेक्शन कर दिया है उस वीडियो में जाकर के, दो साल में ये एक बार होती है, लाइक 2015 में हुई है तो 2017 में होगी, 2015 के बाद 2017 में होगी, 2017 के बाद 2019 में होगी, 2019 के बाद 2021 में होगी, तो इस तरीके से हर दो साल पे एक बार मीटिंग हो रही होती है और कमर्शियल मिनिस्टर ही जा रहे होते हैं, ये तो फर्स्ट श्योर है। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, और स्टार्ट करने से पहले हमारे कुछ कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं, जो लोग भी नए हैं उन लोगों के लिए आप इस कॉन्टैक्ट को यूज करके हम तक रीच आउट कर सकते हैं या फिर अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। इसके अलावा हमारे कुछ कोर्सेज भी अवेलेबल हैं, एंड दीज आर द अवेलेबल कोर्सेज, प्रीलिम्स स्पेशल एज वेल एज मेंस स्पेशल। इसके अलावा यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब अस फॉर टेस्ट सीरीज, एंड दीज आर द अवेलेबल टेस्ट सीरीज। सो इन द लास्ट क्लास वी हैव सीन जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड इन सर्विसेज, पेटेंट वगैरह के बारे में हम लोगों ने देखा था, फिर हम लोगों ने ड्यूटीज वगैरह के बारे में देखा था। तो आई होप आप लोग को ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। स्टार्ट करते हैं हमारा आज का डिस्कशन, एंड दैट इज रिलेटेड विद मिनिस्ट्रियल मीटिंग। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि आखिर में कौन कौन सी मिनिस्ट्रियल मीटिंग कब कब और कहां कहां पर हुई है। तो दिस इज अ टेबल जहां पर आपको पूरी की पूरी मिल जाएगी सिस्टम की, क्या आखिर में कहां पे क्या हुआ है। तो देखिए यहां पर अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले मीटिंग हो रही है 1996 में, और ये हुई थी सिंगापुर में, दूसरी 1998 में, और ये हुई है स्विट्जरलैंड में, 1999 में फिर होती है यूएसए में सियाटल में, और फिर 2001 में होती है कतर में। दिस 2001 वाली ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहीं से निकल के आता है दोहा डेवलपमेंट एजेंडा डीडीए। एक और इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी मीटिंग में चाइना एक मेंबर बन गया था, तो चाइना बिकेम ए मेंबर ऑफ डब्ल्यूटीओ, इसलिए भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है फोर्थ मीटिंग में 2001 की मीटिंग में। इंडिया कब बनता है, इंडिया तो होस्ट है, मतलब इंडिया तो शुरू शुरू में ही बना हुआ है, ठीक है, तो इंडिया की कोई बात नहीं है। 2003 में फिर मीटिंग होती है कैंकून में, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। 2005 में फिर हांगकांग की मीटिंग हो जाती है, 2019 में फिर स्विट्जरलैंड की मीटिंग होती है, और 11 में फिर अगेन स्विट्जरलैंड जिनेवा में ही हो जा रही होती है। 2013 में इंडोनेशिया बाली में होती है, काफी सिग्निफिकेंट है, हम लोग इसको बात भी करेंगे क्योंकि इसे बोला जाता है पीस क्लॉज के नाम से भी इसको जाना जाता है, तो हम लोग इसके बारे में काफी डिटेल में चर्चा करेंगे क्या चीज है। फिर हम लोग बात करेंगे 10th मीटिंग के बारे में जो कि नैरोबी में है, और हमारी 11th मीटिंग हमारी ब्यूनस आयर्स के बारे में। तो हमारे पास कुछ स्पेशल मीटिंग्स हैं जैसे कि 9th, 10th, 11th, ये रीसेंट वंस हैं, इसलिए इनको जानना काफी जरूरी है। बाकी तो हम लोग ओवरऑल एक फुल पर्सपेक्टिव लेकर के चलेंगे ही कि आखिर में क्या क्या इश्यूज हैं, कैसे कैसे उसको डील किया जा रहा है। स्टार्ट करते हैं, और सबसे पहले हम लोग देखेंगे सिंगापुर कॉन्फ्रेंस 1996 की। द इनॉग्रल मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस वॉज हेल्ड इन सिंगापुर इन 1996। Its primary purpose was to initiate an international effort among global trending nation to overhaul the structure and mechanism of GATT. तो basically अभी तक जो GATT चल रही थी उस GATT के ही structure को अब WTO में convert कर दिया गया था, अब लोगों के बीच में एक consensus बनाना था ताकि जितनी भी countries जो पहले GATT को follow कर रही थी वो equally उसी trust के साथ, उसी charm के साथ ये अब WTO को follow करें। तो while preserving the considerable progress and success achieved by that system since its inception in 1948.
Disagreement largely between developed and developing economies emerged over four issues, that is conference after they were collectively referred to as Singapore issues. अब पहले एक बार समझ लेते हैं क्या चीज है. देखिए हमारे पास दो तरीके की कंट्रीज है, एक है जो डेवलप्ड कंट्री है और दूसरी है जो डेवलपिंग कंट्री है. जो डेवलप्ड कंट्री है वो चाहती हैं कि ज्यादा से ज्यादा डेवलपिंग कंट्रीज अपने मार्केट को ओपन करें ताकि हम लोग जा करके वहां पर अपना ट्रेड कर सकें. लेकिन डेवलपिंग कंट्री चाहती हैं कि अगर हमें अपना मार्केट ओपन करना भी पड़ रहा है तो हमें कुछ प्रोटेक्शन दिया जाए, क्योंकि विदाउट दिस प्रोटेक्शन ग्लोबल मार्केट डेवलप्ड वाले कंट्री वाले आकर के हमारा मार्केट तो खराब कर देंगे. तो इस वजह से एक प्रोटेक्शन की जरूरत है, क्योंकि सीधी सी बात है वी आर नॉट दैट मच डेवलप्ड. हमारी जो इकोनॉमी होगी उतनी डेवलप नहीं होगी. एक छोटे से एग्जाम्पल के तौर पर अगर बात करें, जैसे हमारे यहाँ की जैसे एमएसएमई सेक्टर की जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं, ऑब्वियस सी बात है इनके अंदर में वो परफेक्शन नहीं होगा जो एक डेवलप्ड कंट्री के अंदर में जितनी भी कंट्रीज है उनके बारे में होगा. तो इसलिए हमें क्या है कि जितने भी लोकल प्रोडक्ट्स होंगे ऑब्वियसली उतना ज्यादा चार्म नहीं रखेंगे जितना ज्यादा एडिडास और नाइकी वगैरह के जो भी प्रोडक्ट है वो रखेंगे. तो इस वजह से क्या है कि इनको एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है. जबकि डेवलप्ड वाले बोलते थे किसी प्रकार के प्रोटेक्शन देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऐसा सच यहाँ पर कुछ रिक्वायरमेंट नहीं है, ट्रेड है यहाँ पर, गुड्स है, तो और ये तो हमेशा सबके लिए ओपन टू ऑल होना चाहिए, दिस इज द प्राइमरी राइट ऑफ कंज्यूमर. तो खैर यहाँ पर हमें बेसिकली प्राइमरी राइट तो देखना ही पड़ेगा, बट साथ में हमें प्रोड्यूसर को भी देखना पड़ेगा, क्योंकि दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ इकोनॉमी एंड दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी. तो इस वजह से काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है ये चीज. अब यहाँ पर बेसिकली चार तरीके के ग्रुप बना दिए गए थे. एक बनाई दी गई थी गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट के नाम पे, दूसरी बनाई गई थी ट्रेड फैसिलिटेशन के नाम पे, फिर इन्वेस्टमेंट के नाम पे, और बेसिकली कंपटीशन के नाम पे. ये चार बेसिकली पॉइंट बनाए गए थे, चार वर्किंग ग्रुप बना दिए गए थे जो अलग अलग क्षेत्रों में काम कर रही होती थी. आगे बात करें अगर तो देखिए नेक्स्ट आ जाती हमारी दोहा डेवलपमेंट एजेंडा, क्योंकि इसके बाद कुछ खास देखिए डेवलपमेंट हुई नहीं और उसके बाद से 2001 की ही सीधे सीधे हम लोग सिस्टम देख लेंगे, क्योंकि इससे पहले जितनी भी चीजें हुई वो यूएसए में हुई, सियाटल में हुई, और यहाँ पर कोई भी मुद्दा कुछ खास डिस्कस नहीं हो पाया. यहाँ पर देखिए यूएसए की मीटिंग के बारे में थोड़ा सा अगर मैं डिस्कस कर लूँ, जो कि 1999 के दौरान में हुआ था, 1998 और 1999 दोनों में हुआ था, ये काफी ज्यादा यहाँ पर दंगे हो गए थे. दंगे क्यों हो गए थे? दंगे इसलिए हो गए थे क्योंकि यहाँ पर बेसिकली दो तरीके का ग्रुप था. एक ग्रुप था जो ये कह रहा था कि यार जो डेवलपिंग कंट्री है उनको भी अभी प्रोटेक्शन देने की जरूरत है. तो यहाँ पर जो समय के प्रधानमंत्री, उस समय के जो यूएस प्रेसिडेंट थे बिल क्लिंटन, उनके गवर्नमेंट में काफी ज्यादा जो होता है विरोध देखने को मिला था. इसमें क्या हुआ कि डेवलपिंग कंट्री को बोला गया, डेवलपिंग कंट्री के लिए लोगों ने मार्च निकाला और कहा कि इनको प्रोटेक्शन देने की जरूरत है, ये डेवलप्ड नहीं है, और सिमिलर सिचुएशन इनके साथ में, सिमिलर टर्म्स के साथ में इनको कंपेरिजन नहीं किया जा सकता है. उसमें एक दूसरे भी ग्रुप थे जो डेवलप्ड नेशन के थे, और ये डेवलप्ड वाले लोग कहते थे कि देखिए हमें ग्लोबलाइजेशन करने की जरूरत नहीं है, जितना ग्लोबलाइजेशन करेंगे उससे हमारी इकोनॉमी को ही लॉस होगा. हमारी इकोनॉमी को लॉस होने का मतलब हमारे यहाँ के जो लोग हैं वो इम्प्लॉयमेंट नहीं पा पाएंगे. फिलहाल जैसे अमेरिका में अगर बात करें तो देखिए यूएस फर्स्ट की नीति अपनाई जाती है. तो यूएस फर्स्ट वाली जो भी पॉलिसी है वो बेसिकली है क्या, ये पॉलिसी है प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी, और यही प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी उस समय भी लोग बोल रहे थे अपनाने को, और इसी कारण से जो भी WTO के नॉर्म्स थी उसका विरोध किया जा रहा था, उसके अगेंस्ट पे लोगों ने मार्च निकाला था. तो काफी बुरी स्थिति हो गई थी. एज पार्ट ऑफ रिजल्ट क्या हुआ था कि ना तो यहाँ पर कुछ डिस्कस हो पाया और ना ही कुछ भी कंक्लूजन निकल पाया था. तो नो कंक्लूजन एट ऑल ये निकल करके आया था. नेक्स्ट जो मीटिंग होती है वो 2001 में होती है, जिसका नाम है दोहा डेवलपमेंट एजेंडा. दोहा जो है वो कतर में है, और कतर कहाँ पर है? कतर है हमारी कह लीजिए कि अरेबियन के पास में है, अरेबियन पेनिनसुला. ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट है, आपको लोकेशन भी आपको पता होनी चाहिए कहाँ पर क्या चीज है. ओके, तो हम लोग जरा आते हैं दोहा डेवलपमेंट एजेंडा में. जो भी दोहा में जो भी डिस्कशन हुआ उसको बोला जाता है दोहा डेवलपमेंट एजेंडा. इसके एम की अगर बात करें, लेट मी क्लियर इट, इसके एम के बारे में बात करें तो देखिए इसका एम था इंप्रूव ट्रेडिंग प्रोस्पेक्ट ऑफ डेवलपिंग वर्ल्ड, हेंस इट इज कॉल्ड दोहा डेवलपमेंट एजेंडा. तो डेवलपमेंट करना था बेसिकली वर्ल्ड का. इट स्टार्टेड फोर्थ मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस इन दोहा कतर इन 2001. तो इसमें तो कोई बात नहीं है. पैकेज के बारे में बात करें तो देखिए एवरी आइटम वॉज पार्ट ऑफ इंडिविजुअल पैकेज, सिंगल अंडरटेकिंग, नथिंग एग्रीड अंटिल एवरीथिंग इज एग्रीड. इसका मतलब ये है कि यहाँ पर देखिए अलग अलग चीजों को लेकर के डिस्कशन स्टार्ट हुआ था. इसमें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट था वो था एग्रीकल्चर से रिलेटेड डिस्कशन.
एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो डिस्कशन था यहाँ पर दो तरीके की चीजों के बारे में बात किया गया। एक बात किया गया था जो स्पेशल पैकेज के बारे में था, स्पेशल पैकेज, और दूसरा था जहां पर SSM के बारे में बात किया गया। SSM का मतलब हो गया सेफगार्ड मैकेनिज्म, स्पेशल सेफगार्ड मैकेनिज्म। स्पेशल पैकेज में बोला गया कि देखिए जितने भी आपके बॉक्सेस हैं, बॉक्सेस का मतलब जो ट्रेड डिस्टॉर्टिंग है, जैसे ग्रीन बॉक्स हो गया या फिर हमारी ब्लू बॉक्स हो गई या फिर हमारी एम्बर बॉक्स हो गई, इसमें बोला गया कि देखिए एम्बर बॉक्स के लिए फिलहाल तो मैं आप लोगों को कह रहा हूं कि ठीक है, जो भी सब्सिडी आप प्रोवाइड कर रहे हैं वो सब्सिडी आप प्रोवाइड कर लीजिए, लेकिन जितने भी डेवलप्ड नेशन वाले लोग हैं ये लोग अपना 5% तक सब्सिडी काट करके लेकर के आए, और जितने भी डेवलपिंग वाले हैं ये लोग 10% तक लेकर के आए। अब देखिए यहां पर अगर कंडीशन हम लोगों ने हालांकि डिस्कस पहले ही कर लिया था कि जो डेवलप्ड वाले थे वो ऑलरेडी इतना ज्यादा डेवलप हो चुके थे कि उनके लिए 5% इनके 10% से काफी ज्यादा हो गया था, क्योंकि इन्होंने जो बेस ईयर लिया था या कह लीजिए जो इन्होंने बेंचमार्क लिया था वो लिया था 1986-87 का। 1986-87 में अगर डेवलपिंग वाले अगर 100 रुपीज का कोई सामान बना रहे होंगे तो डेवलप्ड वाले 10,000 रुपीज का सामान बना रहे होते हैं, तो 10,000 का अगर 5% निकालेंगे आप तो इट विल गेट अराउंड 5,000 रुपीज, और वही इसका निकालेंगे तो आप जो है 10 रुपए पा जाएंगे। तो इस वजह से क्या है कि आपको नियर अबाउट काफी ज्यादा एक प्रॉब्लम देखने को मिल रही थी, तो इस वजह से लगातार इसका रिवीजन करने के बारे में बात तो किया जा रहा था, लेकिन ये कहा गया कि चलो ठीक है 2013 तक पहले आप लोग एक काम करिए, 2001 से लेकर के 2013 तक पहले आप इसको इस ब्रैकेट में लेकर के आइए। उस समय की अगर बात करें तो देखिए जितने भी डेवलपिंग वर्ल्ड थे वो एम्बर बॉक्स के तहत सब्सिडी प्रोवाइड करते थे, वो नियर अबाउट 50% सब्सिडी लगभग प्रोवाइड कर रहे होते थे। इनका नेता बना इंडिया, इंडिया ने इन सबको लीड किया और कहा कि जो भी एम्बर बॉक्स में जो सब्सिडी आप प्रोवाइड करने की बोल रहे हैं 10%, पहली बात तो ये 10% काफी कम है, और दूसरी बात कि आपका जो बेस ईयर है ये काफी ज्यादा पुराना है और इस समय हम लोग काफी ज्यादा पिछड़े हुए थे, हमारी प्रोडक्शन कुछ खास नहीं थी। तो इंडिया बिकेम द लीडर ऑफ ऑल द डेवलपिंग कंट्रीज, जिसमें कि चाइना भी था, लेकिन इंडिया काफी ज्यादा एक तरीके से रिस्पॉन्सिबल काम ले लिया था, जिसके कारण से साउथ अमेरिका की कंट्रीज और जो अफ्रीका की कंट्रीज है ये अब इंडिया को काफी ज्यादा सपोर्ट करना शुरू कर दी थी। ये पॉलिटिक्स आपको समझना काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये 2015 में ये पॉलिटिक्स काफी तेजी से ब्रेक करेगी, तो इस वजह से आपको अगेन पॉलिटिक्स समझना काफी ज्यादा जरूरी है। ओके, तो हम लोग ने एक चीज यहां पर समझ ली कि एम्बर बॉक्स को बेसिकली ये टाइम इंटरवल दे दिए हैं, जहां पर इसको 10% डेवलपिंग के लिए और 5% डेवलप्ड के लिए दिया गया कि आप इसको फटाफट लेकर के आइए और 2013 तक हम इसको इलिमिनेट कर देंगे। ये जो इलिमिनेशन है बेसिकली तीन तरीके की है, एक है जो एग्रीकल्चर में सब्सिडी दी जा रही है, दूसरी सब्सिडी दी जा रही है जो मार्केट में सब्सिडी दी जा रही है, और तीसरी सब्सिडी दी जा रही है ट्रांसपोर्ट में। तो ये अलग अलग तरीके से सब्सिडीज है, तीनों को अलग अलग तरीके से इलिमिनेट करने की हम लोग बात करेंगे। फिलहाल जरा आते हैं वापस से दोहा डेवलपमेंट एजेंडा में, मैं साथ में आपको पॉलिटिक्स, वर्ल्ड पॉलिटिक्स भी आपको समझाते रह रहा हूं ताकि आपको एक बेटर क्लैरिटी आती रहे। चलिए खैर, आउटकम के बारे में बात करें तो देखिए एग्रीकल्चर में क्या आउटकम आया, ये आया मार्केट एक्सेस को लेकर के, ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है कि मार्केट शुड बी ओपन। दूसरी हम लोगों ने एक्सपोर्ट सब्सिडी के बारे में बात कर ही लिया था, और डोमेस्टिक सपोर्ट में हम लोगों ने बात किया था, जहां पर हम लोगों ने ग्रीन बॉक्स, एम्बर बॉक्स और ब्लू बॉक्स के बारे में डिस्कस किया हुआ था। मार्केट एक्सेस फॉर नॉन एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट के बारे में बात करें, जिसको नामा बोला जाता है, नॉन एग्री मार्केट प्रोडक्ट, इसमें क्या हुआ कि कटिंग टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर के बारे में बात किया जाना शुरू हो गया। टैरिफ के बारे में तो ऑलरेडी मैंने आप लोग को बता दिया था, टैरिफ का मतलब हो गया जैसे काउंटरवेलिंग ड्यूटी हो गई या कस्टम ड्यूटी हो गई या एंटी डंपिंग ड्यूटी हो गई। नॉन टैरिफ का मतलब हो गया एक तरीके से कि यहां पर आपने कोटा निर्धारित कर दिया है। कोटा जैसे क्या होता है, गवर्नमेंट निकालती है कि 74% FDI अलाउड है इसमें या 26% अलाउड है, तो वो बेसिकली कोटा सिस्टम निकाल रही है जो कि एक तरीके की नॉन टैरिफ है, और ये लगती है नॉन एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट में, नॉन एग्री प्रोडक्ट। जैसे नॉन एग्री का मतलब हर एक चीज है, जैसे मैन्युफैक्चरिंग हो गई या फिर मोबाइल प्रोडक्शन हो गया, इन सब चीजों में बेसिकली बात कर रहे हैं हम लोग। तीसरी आती है ट्रिप्स के बारे में, तो इंटरप्रिटेशन ऑफ ट्रिप्स टू सपोर्ट पब्लिक हेल्थ, प्रमोट एक्सेस टू मेडिसिन एंड क्रिएशन ऑफ न्यू वंस, तो ये हो जाती है बेसिकली ट्रिप्स के बारे में। क्लियर हो गया क्या चीज है। ट्रेड फैसिलिटेशन के बारे में अगर बात करें तो अगेन यहां पर निगोसिएशन चल रहा था, बट कुछ खास यहां से डेवलपमेंट नहीं देखने को मिली। ट्रेड एंड एनवायरमेंट के बारे में अगर बात हुई कि अल्टीमेटली हमें एनवायरमेंट को किस तरीके से प्रोटेक्ट करना है, क्योंकि हमें पता है
1992 ऑनवर्ड्स हम लोग अपने इन्वायरमेंटल कंसर्न को काफी ज्यादा जाहिर करना शुरू कर दिए थे, इन्वायरमेंट को लेकर के हमें साथ चलना शुरू हो गया था। तो इस वजह से इन्वायरमेंट को लेकर के भी यहाँ पर चर्चा हुई कि ट्रेड एंड इन्वायरमेंट को लेकर के क्या कुछ करना है। तो यहाँ पर हुआ लॉन्च निगोशिएशंस ऑन रिलेशनशिप बिटवीन WTO रूल्स एंड ट्रेड ऑब्लिगेशंस अंडर इन्वायरमेंटल एग्रीमेंट। इंपॉर्टेंट इश्यूज क्या क्या थे, एक तो फिशरी का था, फिशरी के लिए सब्सिडी जो दिया जा रहा है और इन्वायरमेंट के लिए दिया जा रहा था। यहाँ पर आपको ये जानना काफी ज्यादा जरूरी है कि आखिर में फिशरी की सब्सिडी क्या है। फिशरी की सब्सिडी का मतलब ये होता है, जैसे फिश पकड़ने के लिए आपको चाहिए जो फिशरमैन है, फिशरमैन यूज करते हैं जो बोट यूज करते हैं, अब बोट पे सब्सिडी दी जाती है, ये सब्सिडी भी अगेन इसी फिशरी में काउंट कर लिया जाता है। और यही कहा गया कि ये जो आप बोट वगैरह सब्सिडी दे रहे हैं, दिस इज बेसिकली कंसर्निंग फॉर मरीन इकोसिस्टम, क्योंकि जितना ज्यादा ये सब्सिडी देंगे उतना ही ज्यादा फिशरमैन बोट लेकर के फिशिंग करने चले जाएंगे, जिसके कारण से जो हमारा मरीन इकोसिस्टम है वो डिस्टर्ब होता रहेगा। तो हमें क्या है, इस सब्सिडी को रेगुलेट करने की जरूरत है, हमें इस सब्सिडी को खत्म करने की जरूरत है। तो ये थी हमारे दोहा डेवलपमेंट एजेंडा के बारे में। इस दोहा डेवलपमेंट एजेंडा पे कुछ खास कंसेंसस नहीं बन के आया, जिसके कारण से अगेन 2008 पैकेज के रूप में ये चीज सामने निकल करके आ गई थी। इसका काम क्या था, इसका काम था दोहा डेवलपमेंट एजेंडा जो कि डेवलपिंग वर्ल्ड ने बना करके रखा था, वो अब किसी तरीके से एक कंक्लूजन पे लेकर के आना, मतलब कि डेवलप्ड वर्ल्ड के द्वारा अब डेवलपिंग वर्ल्ड ने जो बनाया है दोहा डेवलपमेंट एजेंडा उसको अप्रूव कराना था। पैकेज के रूप में क्या आ गया, ड्राफ्ट कुड नॉट बी फाइनलाइज ड्यू टू वाइड डाइवर्जन अमंग मेंबर्स। तो सीधी सी बात है, कोई भी डेवलप्ड वर्ल्ड जो होता है वो जल्दी इस चीज को मानने के लिए तैयार नहीं था कि हम क्यों झुकें, डेवलपिंग वर्ल्ड को क्यों हम इस तरीके का एक तरीके से लेवरेज दें। तो इस वजह से काफी ज्यादा दोनों के बीच में एक डाइवर्जन देखने को मिल रहा था। इसमें एज पार्ट ऑफ रिजल्ट हुआ क्या, एज पार्ट ऑफ रिजल्ट ये हुआ कि डेवलप्ड वर्ल्ड को ये बोला गया कि टू एंड एक्सपोर्ट सब्सिडी बाय 2013, आप अपनी एक्सपोर्ट सब्सिडी को खत्म कर दीजिए। SSM मैकेनिज्म पर भी बात हुई, सेफगार्ड मैकेनिज्म पर भी बात हुई, और इस तरीके से इंडिया में, मतलब इंडिया के लोग अब या फिर डेवलपिंग वर्ल्ड के लोग अब जितने भी टैरिफ बैरियर्स लगा सकते थे वो अब लगा सकते थे। नॉन एग्री प्रोडक्ट के लिए ये हुआ कि इन 2005 हांगकांग मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस इट वॉज डिसाइडेड दैट स्विस फॉर्मूला वुड बी यूज फॉर नॉन एग्रीकल्चरल मार्केट एक्सेस, डिफरेंट टैरिफ कट्स वर स्पेशलाइज्ड फॉर डेवलप्ड एंड डेवलपिंग वर्ल्ड इन 2008। सच देखिए यहाँ पर कुछ खास उतना डेवलपमेंट नहीं है, तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। ट्रेड फैसिलिटेशन के बारे में अगर बात करें तो डेवलपिंग कंट्रीज ने यह एग्री कर लिया कि सेफगार्ड मैकेनिज्म प्रोवाइड किया जा सकता है। तो यहाँ पर ये चीज प्रोवाइड हो गई, ये चीज चीजें हो गई कि क्या कुछ होने वाला है। लेकिन अब इससे आगे जितनी भी डिस्कशन होगी, जितनी भी चीजें होंगी दोहा डेवलपमेंट एजेंडा को लेकर के, उसमें दो ही पॉइंट पे बात होगी। एक पॉइंट होगी कि जो भी सब्सिडीज है उनको एंड करना है, एक्सपोर्ट सब्सिडी हो चाहे मार्केट सब्सिडी हो चाहे किसी प्रकार की सब्सिडी हो, और दूसरा बात होगा SSM को लेकर के। SSM का मतलब वही सेफगार्ड मैकेनिज्म को लेकर के बात होने वाली है। यहां पर एक्चुअली देखने को यह मिलेगा कि जितने भी डेवलप्ड नेशन होंगे वो कभी भी इस बात को मानने की कोशिश नहीं करेंगे, बल्कि दे विल ट्राई टू मेक सम न्यू नॉर्म्स, नए चीजों को लेकर के आने की कोशिश करेंगे। लेकिन वही डेवलपिंग वर्ल्ड ये हमेशा अपने अपने इस DDA पे, दोहा डेवलपमेंट एजेंडा पे ही टिका रहेगा कि हमें पहले ये दोहा डेवलपमेंट एजेंडा आप अप्रूव करिए, देन ओनली वी कैन टॉक। और इनका जो नेता बना हुआ था वो इंडिया बना हुआ था, यानी इंडिया से एस्पिरेशन लोगों को काफी ज्यादा थी, क्योंकि उन्हें एक बहुत अच्छा प्रोटेक्शन मेजर बन रहा था। क्लियर हो गया क्या चीज है। इसके बाद हमारी आती है 9th मिनिस्ट्रियल मीटिंग, बाली मीटिंग, क्योंकि इससे पहले जितने भी मैक्सिको के जो कैंकुन में डेवलपमेंट हुई थी या स्विट्जरलैंड में जो डेवलपमेंट हुई थी, तो वहां पर कुछ खास देखिए कंसेंसस नहीं बन पा रहा था, और जब भी मीटिंग हो रही थी वो इधर उधर में बातों वगैरह में ही रह जा रही थी और कुछ भी कंक्लूजन नहीं निकल पा रहा था। फिर उसके बाद से होती है 9th मिनिस्ट्रियल मीटिंग बाली पैकेज, जिसको बोला जाता है पीस पैकेज, इसको पीस पैकेज के नाम से भी जाना जाता है। यहां पर क्या हुआ है चीजें, सबसे पहले एम के बारे में बात करें तो देखिए नेगोशिएट टुवर्ड्स कंक्लूडिंग दोहा डेवलपमेंट एजेंडा, तो DDA के कंक्लूजन पे अगेन बात हुई है और इसको पीस क्लॉज भी बोला जाता है, जैसा हम लोगों ने डिस्कस ही किया। आउटकम के बारे में बात करें तो यहां पर देखिए क्या चीज हुई, यहां पर एग्रीकल्चर को लेकर के हुआ कि ऑन पब्लिक स्टॉक होल्डिंग इंटरिम पीस क्लॉज वॉज एग्रीड। अब जरा यहां पर समझिएगा क्या चीज है, जैसे इंडिया क्या करता है, इंडिया फूड की स्टॉकिंग करता है या कह लीजिए क्रॉप्स की स्टॉकिंग करता है, स्टॉकिंग किया जाता है ताकि फ्यूचर में किसी प्रकार की अगर कोई प्रॉब्लम आती है, कोई भी डिजास्टर आता है, तो उसको
एक तरीके से मैनेज किया जा सके। तो मैनेज करने के लिए ये एमएसपी निकालता है और एमएसपी के बेसिस पे ये प्रोक्योरमेंट प्राइस के थ्रू या इश्यू प्राइस के थ्रू जो होता है ये कवर कर लेता है चीजों को। डब्ल्यूडब्ल्यूएल कहते हैं दिस इज नॉट फेयर, क्यों? क्योंकि ये जो होता है डिमांड एंड सप्लाई के द्वारा डिसाइड होना चाहिए और प्रोक्योरमेंट आपको नहीं करनी चाहिए, स्टॉक होल्डिंग आपको नहीं करनी चाहिए। इंटरिम प्लीज कॉस्ट वॉज एग्रीड अपॉन परमानेंट सोल्यूशन वॉज फाउंड टू बी बाई 2017। तो अभी फिलहाल ये कहा गया कि देखिए जो भी एम्बर बॉक्स के तहत में जितनी भी सब्सिडीज आप दे रहे हैं, चार साल तक कोई भी इस पे कुछ नहीं बात करेगा, ये जैसे चल रहा है वैसे ही चलता रहेगा, इसमें कोई भी हम लोग हिंड्रेंस नहीं करेंगे। बाकी जो ब्लू बॉक्स है या फिर ग्रीन बॉक्स है यहां तो कोई दिक्कत ही नहीं है। एक्चुअल में इश्यू एक और था कि जो ये ग्रीन बॉक्स थी, ग्रीन बॉक्स में क्या है कि जो डेवलप्ड वाले हैं, ये डेवलप्ड वाले काफी ज्यादा सब्सिडी दे देते हैं क्योंकि ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट काफी ज्यादा करते हैं। इसके अलावा इनके फॉर्म वगैरह भी काफी बड़े होते हैं, तो इनके रिसर्च एंड डेवलपमेंट का इस फॉर्म पे काफी ज्यादा फायदा पड़ रहा होता है। और वही अगर बात करें जितने भी डेवलपिंग वाले होते हैं उनके फॉर्म छोटे होते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कुछ खास होती नहीं है, तो इस वजह से वो प्रोक्योरमेंट पे बेसिकली ज्यादा सब्सिडी दे रहे होते हैं और उसको बोल दिया गया है कि ये ट्रेड डिस्टॉर्टिंग है। तो अगेन ये बायस्ड बिहेवियर देखने को हमें मिल रहा था, जिसके कारण से ये बोला गया कि एम्बर बॉक्स पे नेक्स्ट 4 ईयर तक अब कोई भी हम डिस्कशन नहीं करेंगे, मतलब जो कुछ भी होगा वो 2013 से होगा, 2012 से पहले कुछ नहीं होने वाला है। अब यहां पर देखिए, इंटरिम पीस क्लॉज वाज एग्रीड अपॉन, डेवलपिंग कंट्री विल हैव राइट टू रिकर्स टू सेफगार्ड मैकेनिज्म SSM, बट देयर इज नो एग्रीमेंट ओवर इंप्लीमेंटेशन मोडालिटी, मार्केट एक्सेस फॉर नामा इन 2005, ये सब चीजें, ये तो खैर ये रिपीटिशन है, दिस इज नॉट करेक्ट हियर, छोड़ दीजिएगा इसको। ट्रेड फैसिलिटेशन नेगोशिएशन ऑन द एग्रीमेंट वॉज कंक्लूडेड, अब एक जो नेगोशिएशन था फैसिलिटेशन को लेकर के वो कंक्लूड हो गया। इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स में अभी भी कीप नेगोशिएटिंग, अब जरा पहले समझ लेते हैं कि ई कॉमर्स का मतलब क्या है, ई कॉमर्स की चीजें क्या है। ई कॉमर्स का मतलब जरा समझिएगा, ई कॉमर्स में क्या है कि नेगोशिएशन अभी चल रहा था, ये नेगोशिएशन क्यों हो रहा था, जितने भी डेवलप्ड वाले हैं बेसिकली यही वो लोग हैं जो ई कॉमर्स को स्टार्ट किए हैं, जैसे अमेजोन वगैरह हो गया। तो अब करते क्या है कि जैसे मान लीजिए कि हमें कोई लैपटॉप लेना है या हमें मान लेते हैं कि कोई भी ऐसा प्रोडक्ट लेना है जो कि अमेजोन के थ्रू आ रही है, तो जब भी अमेजोन के थ्रू प्रोडक्ट हमारे डेवलपिंग वर्ल्ड में आएगी या डेवलपिंग कंट्री में आएगी, यहां पर क्या है, कस्टम ड्यूटी नहीं लगती है इन प्रोडक्ट पे। तो इससे क्या होता है कि इन डेवलपिंग वर्ल्ड की जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं इनको काफी ज्यादा लॉस होता है। एज पार्ट ऑफ रिजल्ट ये कहना शुरू कर दिए कि चूंकि जो दोहा डेवलपमेंट एजेंडा था वहां पर हम लोगों ने इसके बारे में कोई बात नहीं किया हुआ था, इसलिए वी नीड टू मेक सम न्यू नॉर्म्स रिगार्डिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स या ई कॉमर्स के लिए हमें नया नॉर्म निकालने की जरूरत है। वही अगर बात करते हैं स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज की, तो अगेन यहां पर क्या है कि कीप नेगोशिएटिंग, यहां पर कुछ खास डेवलपमेंट देखने को नहीं मिली। तो बाली पैकेज में आप ये केवल याद रख सकते हैं कि यहां पर एम्बर बॉक्स को लेकर के ये कंक्लूजन निकला कि 4 ईयर तक कोई भी डिस्कशन इस पर नहीं होगा और बाकी चीजों को एक तरीके से पॉज बटन दबा दिया गया था कि चलो ठीक है आगे निगोशिएट करते रहेंगे। तो एक ये डेवलपमेंट यहां पर देखने को मिली थी और इसी के नाम पे बोला जाता है इसे पीस क्लॉज। नेक्स्ट होती है 10th मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस नैरोबी पैकेज, ये होती है 2015 में और यहां पर हमें एक अच्छा खासा डेवलपमेंट देखने को मिल पा रहा होता, लेकिन यहां पर इंडिया को काफी ज्यादा क्रिटिसाइज कर दिया गया था। इंडिया को क्रिटिसिज्म होने के पीछे रीजन ये था कि इंडिया को डेवलप्ड वर्ल्ड ने इंडिया को सिखा दिया कि हम आपको कुछ पैकेज दे देंगे, कुछ आपको निगोशिएशन करने के लिए आपको एक स्पेशल प्लेटफॉर्म दे देंगे, बट आप ये जो SSM के बारे में और जो एम्बर बॉक्स के बारे में जो डिस्कशन कर रहे हैं इसको आपको छोड़ना पड़ेगा। उस समय हमारे जो कॉमर्स मिनिस्टर थे वो थी निर्मला सीतारमन और उनकी काफी ज्यादा क्रिटिसिज्म हुई थी इंडिया में आने के बाद। खैर हम लोग फिलहाल डेवलपमेंट देखते हैं कि क्या चीज है। तो नो एक्सप्लिसिट कमिटमेंट टू DDA, दोहा डेवलपमेंट एजेंडा, डिक्लेरेशन रिकॉग्नाइज डाइवर्जेंस इन व्यू पॉइंट, तो आपस में क्या है लोगों के बहुत ज्यादा डाइवर्जेंस देखने को मिला, यहां पर कुछ भी कंक्लूजन नहीं निकल पाया। एग्रीकल्चर के तौर पे बात करें तो ऑन पब्लिक स्टॉक होल्डिंग क्या बातें हुई, कीप इंगेजिंग टू अराइव एट ए परमानेंट सोल्यूशन, कुछ भी अभी तक आया नहीं, कुछ भी यहां तक डेवलपमेंट नहीं निकल पाया और कोई भी टाइम फ्रेम स्पेसिफाई नहीं किया जा सका। स्पेशल सेफगार्ड मैकेनिज्म के बारे में बात करें तो अगेन नो टाइम फ्रेम स्पेसिफाइड टू फाइनलाइज द इंप्लीमेंटेशन मोडालिटी। एक्सपोर्ट सब्सिडी के बारे में अगर बात करें तो देखिए इमीडिएट इलिमिनेशन बाई डेवलप्ड कंट्रीज वॉर एग्रीड अपॉन, तो इस तरीके से ये इलिमिनेशन को इन लोगों ने मान लिया था कि हाँ ठीक है जो भी हम सब्सिडी देते थे वो हम अब नहीं करेंगे।
इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स के बारे में अभी भी निगोसिएशन चल रहा था और एसएमईज के बारे में अभी भी निगोसिएशन चल रहा था। यहां पर देखिए क्यों लोगों ने इतना ज्यादा निर्मला सीतारमन जी को क्यों इतना ज्यादा क्रिटिसाइज क्यों किया, क्योंकि देखिए पीस क्लॉज एक तरीके से हमारी मतलब डेवलप्ड वर्ल्ड डेवलपिंग वर्ल्ड की जीत थी। जो डेवलपिंग वर्ल्ड वाले थे ये काफी ज्यादा इंडिया से एक एस्पिरेशन रखे हुए थे, क्योंकि इंडिया नेता बना हुआ था सबका, तो एस्पिरेशन के कारण से और इस पीस क्लॉज के कारण से एक अच्छा खासा हमें प्लेटफॉर्म मिला हुआ था, जहां पर हम इंडिया इज बेटर, इंडिया वॉज इन बेटर पोजिशन टू निगोशिएट विद द डेवलप्ड वर्ल्ड। क्योंकि अब एक चीज एक हम लोगों की जीत हो चुकी थी, अब इस जीत के बदौलत हम लोग यहां पर और ज्यादा निगोशिएट कर सकते थे, बट यहां पर इंडिया निगोशिएट करने की बजाय यहां पर एक्सेप्टेंस पे आ गया, और एक्सेप्टेंस होने के कारण से हम लोग वापस से 2001 वाले जो डेवलपमेंट पे थे, 2001 के जो दोहा डेवलपमेंट एजेंडा के निगोशिएशन पे थे, हम लोग वापस से रोल बैक करके उस पोजीशन में चले गए। अब यहां से अगेन जो डेवलप्ड वर्ल्ड था वो अगेन काफी ज्यादा स्ट्रांग हो गया और डेवलपिंग वर्ल्ड फिर से पीछे हो गया। इसके बाद से हमारी आती है, इट हैज बीन सेड दैट दोहा एजेंडा लॉस्ट इट्स रिलेवेंस आफ्टर 2008 मिनिस्ट्रियल समिट। तो 2008 के बाद से मिनिस्ट्रियल समिट का ये जो दोहा डेवलपमेंट एजेंडा था ये अपना रिलेवेंस खो दिया था, क्योंकि अब डेवलप्ड वर्ल्ड लगातार नए नए पॉइंट लेकर के आना शुरू कर दी थी और दोहा की जो बातें थी उसको कहीं ना कहीं वो इग्नोर करना शुरू कर दिए थे। बिकॉज द इशू ऑफ रिलेवेंस फॉर डेवलपिंग कंट्रीज वर साइडलाइंड एंड न्यू इशूज विच वर इंपॉर्टेंट टू डेवलप वर्ल्ड वर इंट्रोड्यूस एंड एम्फसाइज। तो नए चीजों को ये डिस्कस करना शुरू कर दिए थे। This become explicit in Nairobi. Again, देखिए Nairobi में वही चीज और ज्यादा हो गई थी, which did not mention unanimous commitment to Doha agenda. तो हम लोग जो peace clause का use कर सकते थे वो हम न करने की बजाय हम लोग नए जो कह लीजिए norms थे या कह लीजिए नए issues थे उसमें उलझ करके रह गए थे, इसी वजह से काफी ज्यादा criticism भी हुआ था। Principle of reciprocity was sidelined. Trade facilitation agreement was concluded while developed countries went back on their promise of permanent solution to public stock holding. तो यहां पर जो developed world वाले थे जो trade facilitation के बारे में बात कर रहे थे, market opening के बारे में बात कर रहे थे, उन लोगों ने तो अपना उल्लू सीधा कर लिया, मतलब कि अपना negotiation जो करना था उस पर एक agreement sign कर लिया, conclusion ले लिया, लेकिन बाकी चीजों पर इन लोगों ने skip कर दिया, बाकी चीजों पर इन लोगों ने ज्यादा खास ध्यान नहीं दिया। As part of result, next meeting होती है 2019 में, 11th ministerial conference होती है Buenos Aires में। इसमें development क्या क्या होती है ये हम लोग थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, क्योंकि यही है फिलहाल की सबसे ज्यादा recent की meeting। अब यहां पर देखते हैं क्या चीज है, तो developed countries में क्या होती है और developing world क्या करती है, क्या बोलते हैं। अब देखिए जो गलती हम लोगों ने अपने Nairobi में किया था उस गलती को हम लोग अब दोहराना नहीं चाहते थे, इस वजह से हम लोग इसमें भेजे थे हमारे उस समय के जो कॉमर्स मिनिस्टर थे सुरेश प्रभु साहब को भेजा गया था, और इन लोगों ने काफी हद तक डूबती नैया को बचा लिया था। इन्होंने किया क्या था, इन्होंने अब वापस से जो हम लोग पहले निगोशिएशन कर रहे थे, मतलब कि जो पीस क्लॉज के जो पोजीशंस थी हम लोग उस पोजीशन पे बेसिकली अब आ गए थे, और इस पीस क्लॉज के जरिए हम लोग वापस से निगोशिएशन करने पे आ गए। देखते हैं कैसे निगोशिएशन हम लोग कर रहे थे। डेवलप्ड कंट्री ये सोच के आई थी कि अगेन इंडिया में कोई मतलब थोड़ा सा कम पोटेंशियल वाला लीडर आएगा और उसके बाद से हम लोग अगेन अपना जो भी काम करवाना है वो करवा लेंगे। तो इक्वल इंपॉर्टेंस टू न्यू इश्यूज अलोंग विद कंटेंशियस इश्यूज अंडर दोहा डेवलपमेंट एजेंडा। तो दोहा के साथ साथ हम लोग नए चीजों को भी लेकर के चलेंगे, ऐसा डेवलप्ड वर्ल्ड ने कहा। अगेन वो कुछ ना कुछ जो होते हैं न्यू पॉइंट को लेकर रंबल करना चाहते थे, लेकिन हमारे जो नेताजी थे, हमारे जो सुरेश प्रभु जी थे, इन्होंने कहा ब्रिंग दोहा एजेंडा बैक टू द टेबल एंड एनी निगोशिएशन ऑन न्यू इश्यूज टू स्टार्ट आफ्टर कंक्लूजन ऑफ दोहा एजेंडा। पहले हम दोहा के बारे में बात करेंगे, दोहा के बाद ही कोई चीज हम बात करेंगे इसके आगे। अगर आप दोहा नहीं लेकर के आएंगे तो मैं जा रहा हूं, हम लोग इसको नहीं देख पाएंगे। डेवलप्ड वर्ल्ड अगर बोलते हैं, देखिए कि निगोशिएशन ऑन डोमेस्टिक सपोर्ट अंडर एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर टू फेज आउट ट्रेड डिस्टॉर्टिंग सब्सिडीज। अगेन देखिए यहां पर डोमेस्टिक सपोर्ट यानी एम्बर बॉक्स के बारे में बात हो रही है कि एम्बर बॉक्स हमें क्या है कि देखकर हमें उसको इलिमिनेट करना पड़ेगा। यहां पर इन लोगों ने बोला कि देखिए वी नीड टू रिफॉर्म, वी नीड टू मेक चेंजेस इन ग्रीन बॉक्स ऑल्सो। आप लोग तो डेवलप्ड वर्ल्ड है, आप लोग फटाफट अपनी रिसर्च एंड डेवलपमेंट में अपना काम कर लेते हैं और उसके बाद से हमें बोल रहे हैं एम्बर बॉक्स में, आपको ग्रीन बॉक्स को भी रेगुलेट करने की जरूरत है। तो रिफॉर्मिंग एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर टू मेक इट मोर इक्विटेबल
तब जाकर के इक्विटेबिलिटी आएगी, तब जाकर के चीजें सामने आएंगी। तो काफी हद तक हमें, हम लोगों ने जो हमारा ब्यूनस आयर्स की मीटिंग थी उसको हम लोगों ने काफी हद तक अपने फेवर में कर लिया था। फिर उसके बाद से डेवलप्ड वर्ल्ड क्या बोलते हैं, निगोशिएट ऑन फिशरी सब्सिडी लीडिंग टू ओवर फिशिंग एंड इलीगल अनरिपोर्टेड एंड अनरेगुलेटेड फिशिंग। यहां पर देखिए अगेन ये नए इशू को लेकर के आने की कोशिश कर रहे थे फिशरी को लेकर के, जो ऐसा कुछ खास उतना इंपॉर्टेंट नहीं था, क्योंकि यहां पर ये लोग बोट सब्सिडी के बारे में बात कर रहे थे कि जितना ज्यादा बोट सब्सिडी देंगे उतना ही ज्यादा फिशिंग होगी एंड ऑल दैट चीजें होंगी। यहां पर वापस से इंडिया अपने ही पोजीशन पे अड़ा रहा, उसने कहा कि सिक्योरिंग मैंडेट ऑन स्पेशल सेफगार्ड मैकेनिज्म, वी नीड टू मेक चेंजेस इन द सेफगार्ड मैकेनिज्म, वी नीड टू मेक फर्स्ट, वी नीड टू निगोशिएट ऑन दोहा डेवलपमेंट एजेंडा। फिर उसके बाद से अगेन जो होता है डेवलप्ड वर्ल्ड का कहना था कि निगोशिएट एप्लीकेबिलिटी ऑफ डिफरेंशियल ट्रीटमेंट टू फास्ट ग्रोइंग इकॉनमी सच एज इंडिया एंड चाइना। तो इन्होंने कहा कि देखिए इंडिया और चाइना काफी ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है आगे, बहुत ज्यादा तेजी से डेवलप कर रहा है, तो हम लोग क्या है कि अब डिफरेंशियल ट्रीटमेंट जो रहेगा उस पर हमें वापस से एक नई सहमति लेने की जरूरत पड़ेगी, हमें वापस से देखना पड़ेगा कि क्या कुछ इज देयर इन दोहा डेवलपमेंट, क्योंकि दोहा के 2001 के समय सिचुएशन कुछ अलग थी, आज की डेट में सिचुएशन कुछ अलग है, हमें देखना पड़ेगा क्या चीज है। डेवलपिंग कंट्री का कहना था कि निगोशिएटिंग परमानेंट सोल्यूशन टू द इश्यू ऑफ पब्लिक स्टॉक होल्डिंग। तो बेसिकली आप अगर देखेंगे तो डेवलप्ड वर्ल्ड कहीं ना कहीं वो चीजों को, दोहा वाली चीजों को घुमाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन डेवलपिंग वाले कहीं ना कहीं दोहा की ही बातों को लेकर के पॉइंट टू पॉइंट बात कर रहे थे, एंड दिस वॉज द मेन क्रक्स ऑफ दिस ब्यूनस आयर्स मीटिंग। लेकिन अगेन यहां पर देखिए कुछ खास डेवलपमेंट हुई नहीं, कुछ खास यहां पर आउटकम निकल करके नहीं आया, एज पार्ट ऑफ रिजल्ट अगेन मीटिंग जो होती है बिना कंक्लूजन के ही निकल करके आ गई। लेकिन हमारे लिए काफी अच्छा हो गया था क्योंकि हम लोगों ने काफी हद तक अपनी बातों को कह लिया था, वन बाय वन करके अगर बातों को कहें कि आखिर में क्या क्या चीजें के बारे में हम लोग डिमांड कर रहे थे। डिमांड सबसे पहले अगर बात करें तो देखिए रिफॉर्म ऑफ एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर के बारे में अगर बात करें तो यहां पर क्या है, वेस्ट प्रोवाइड सब्सिडीज अमाउंटिंग टू बिलियंस ऑफ डॉलर अंडर ग्रीन बॉक्स। तो हम लोगों ने बोला था ग्रीन बॉक्स को इसीलिए कि इनको रेगुलेट करने की वापस से जरूरत है, इन पर भी नॉर्म लगाने की जरूरत है, इसको भी हमें देखना पड़ेगा क्योंकि रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे काफी ज्यादा खर्चा कर रहे हैं। सब्सिडीज हैव पॉइंटेड आउट दैट ग्रीन बॉक्स सब्सिडीज आर ट्रेड डिस्टॉर्टिंग, दस ग्रीन बॉक्स नीड टू बी रिफॉर्म्ड। क्लियर हो गया क्या चीज है। पब्लिक स्टॉक होल्डिंग पे बोला गया कि सब्सिडीज जो कैलकुलेट की जाती है वो 1986-88 पे कैलकुलेट की जाती है, मतलब कि जो 5% और 10% का फंडा था, 5% फॉर डेवलप्ड कंट्रीज एंड फॉर 10% फॉर डेवलपिंग कंट्रीज, ये 1986-88 वाला जो लेवल है ये काफी ज्यादा पुराना है, वी नीड टू अगेन रिफॉर्म दिस। एंड ऑन टोटल प्रोडक्शन वैल्यू 30 ईयर ओल्ड प्राइस रेफरेंस लेवल इज अनरियलिस्टिक टूडे एंड सब्सिडीज मस्ट बी कैलकुलेटेड ऑन क्वांटिटी प्रोक्योर्ड। क्लियर हो गया क्या चीज है। पब्लिक स्टॉक होल्डिंग के बारे में इन लोगों ने क्या बोला, इन्होंने बोला कि इंटरिम पीस क्लॉज जो कि हमारा वही अगेन जो बाली में पैकेज में हम लोगों ने इंक्लूड किया था, इन करेंट फॉर्म इज डिफिकल्ट टू इनवोक बिकॉज ऑफ कंडीशंस अटैच्ड। यहां पर जो होता है G33, इन लोगों ने एक ग्रुप बना लिया था, डेवलपिंग वर्ल्ड ने एक ग्रुप बना लिया था जिसमें इंडिया, चाइना और साउथ अमेरिका और अफ्रीका की कंट्रीज थी। इन्होंने बोला कि ये लीगल सर्टेनिटी है तो इसलिए हमें इसको करना पड़ेगा, इसमें हमें परमानेंट सोल्यूशन लेकर के आने की जरूरत है। SSM के बारे में क्या हुआ, इट नीड टू बी निगोशिएटेड एंड एग्रीड ऑन एट अर्लीस्ट। जितना जल्दी आप इस चीज को सॉल्व कर लेंगे उतना अच्छा रहेगा, अदरवाइज हम लोग कोई भी नया पॉइंट डिस्कस नहीं करेंगे। नेक्स्ट उन्होंने बोला डेवलप्ड कंट्रीज को लेकर के क्या है, डेवलप्ड कंट्री को लेकर के कि निगोशिएट डोमेस्टिक सपोर्ट टू रिड्यूस सब्सिडी बाय डेवलपिंग कंट्रीज विदाउट एनी कमिटमेंट ऑन एबव इश्यूज। तो ये चीज थी बेसिकली हमारी पूरी की पूरी डेवलपमेंट जो हम लोगों ने बहुत ही क्लियर और बहुत ही ज्यादा डिटेल्ड वे में डिस्कस किया है। तो ये थी हमारी आज के डिस्कशन, अगर आपको कोई डाउट होता है तो टेलीग्राम चैनल में, मतलब कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल की लिंक दी गई है, उसको आप ज्वाइन कर लीजिए फटाफट। कोई डाउट होता है तो रेज योर डाउट्स देयर। हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, और आज ये इकोनॉमिक्स का एंड हो गया है, वी हैव कंप्लीटेड आवर इकोनॉमिक्स इन अ वेरी डिटेल्ड वे। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।